उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार जनपद मैनपुरी के प्रत्येक चौराहे पर शहीदों एवं महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना की गई, जिसमें आज पर्यटक एवं संस्कृत मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मैनपुरी में वीरांगना वंतीबाई लोधी की 192वीं जयंती के अवसर पर जेल चौराहे पर लगी वीरांगना वंतीबाई मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने वंतीबाई लोधी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जंगे आजादी के दौरान किए गए प्रत्याग का मंच के माध्यम से उल्लेख किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने भी उनके चरित्र चित्रण पर प्रकाश डाला एवं अविनाश कृष्ण सिंह जिलाधिकारी ने भी अपने मुखारविंद से वीरांगना वंतीबाई लोधी की बड़ाई करने से नहीं चूके। मंच के दौरान संस्कृत एवं पर्यटक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव द्वारा नेताजी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि जो व्यक्ति सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ हो उसके बारे में क्या बात करना, आगे क्या कुछ और कहा उन्होंने, देखे ये खास रिपोर्ट। ये चौराया है लोधी चौक से जाना जाता है। ये हमारे देश के जिन लोगों ने आजादी के लिए कुर्बानियां देने का काम किया, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान देने का काम किया, ऐसे महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना का मतलब अगली पीढ़ी को प्रेरित करने का काम करेगा, प्रेरणा देने का काम करेगा। और निश्चित रूप से ये हम मैनपुरी के लिए गौरव और फख्र की बात होगी। मैनपुरी की आने वाली पीढ़ियां अपने महापुरुषों पर पेड़ा लेने का काम करेंगे। विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि सरकार हमारी आने दो, छोटे मंत्री हैं उनसे हम क्या बात करें, समाजवादियों पर्याप्त हैं, जहां चाहेंगे वहां मूर्ति लगवा देंगे, जिला अधिकारी का बंगला खाली करवा देंगे, तोड़वा देंगे। निश्चित रूप से ठीक कह रहे हैं वो, हम लोग छोटे नेता हैं, वो बड़े बाप के बेटे हैं, विरासत में उन्हें उत्तराधिकार में राजनीति मिली है, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनका हमारा क्या मुकाबला है। और ऐसे बड़े नेता हैं जिनको मैं समझता हूँ उनका स्वागत है, बड़े नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अपना छोटा सा मैनपुरी के बारे में सोच के बदलना पड़ेगा कि विकास की जिम्मेदारी मिलकर सब लोगों की है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा अगर भौगोलिक ज्ञान होता, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, अपना विधानसभा क्षेत्र का भी ज्ञान नहीं है, तो शायद पता होता कि ओंछा जिसके लिए 5 करोड़ रुपये का मिला है, चिमन ऋषि का आश्रम, हमारा दूसरा मार्कंड ऋषि का आश्रम मार्कंड में, ये अगर पता होता उन्हें सम्मत और धन्यवाद देने का काम करते, धन्यवाद देना चाहिए था। 5 करोड़ रुपया करैल विधानसभा के दोनों की शुरुआत उनके क्षेत्र से हुई है। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी जो मूर्तियाँ लगने वाली हैं इसमें कोई भेदभाव नहीं, जो भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं जो महापुरुष हैं सबकी मूर्तियाँ लग रही हैं और लगती रहेंगी। हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर वो कलेक्टर के आवास को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो स्वागत है, उनकी राजनीति तोड़ने की रही है, लेकिन हम लोगों की राजनीति जोड़ने की है। हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, लगातार जोड़ने का काम करते रहे। मंत्री जी कर दिया, बहुत पहले उन्हें कर लेना चाहिए था कब्जा, बहुत दिन सत्ता में रहे वही कर लेते कब्जा, जो हम भाजपा कर रही है चौराहों पर कब्जा। अगर ये अवंतीबाई लोधी के लोधी समाज के महापुरुष की रानी वीरांगना की मूर्ति लगने से जमीन पर कब्जा हो रहा है, तो इससे बड़े समाज के लिए अपमान नहीं हो सकता। अगर सुभाष चंद्र बोस नेताजी के मूर्ति से चौराहे पे कास्ट समाज का कब्जा हो रहा है, तो इससे ज्यादा कास्ट समाज का अपमान नहीं हो सकता। अगर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगने से करैल चौराहे पे कब्जा हो गया, तो छत्तीस समाज का अपमान करने का काम कर रहा है। इसी तरह बघेल समाज अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति लगने से कब्जा हो रहा है, तो बघेल समाज का सीधा अपमान करने का काम हमारे नेताजी कर रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए।